नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। पैरों में पहने जाने वाले जूतों की सोल को काटकर उसमें ड्रग्स बेचने वाले शातिर बदमाश पहुंचे हवालात। आज के जमाने में अपराध की दुनिया के लोग अपराध करने एवं कानून के शिकंजे से बचने नित्य तरीकों का प्रयोग करने लगे हैं, लेकिन जैसा कि हमेशा से कहा जाता है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं और कोई भी अपराधी कानून से कितनी भी चालाकी करे कानून के शिकंजे में आ ही जाता है। यहाँ हम ऐसे ही एक मामले की बात कर रहे हैं जिसमें कल 6 फरवरी को जुहू पुलिस एवं थाने पुलिस की दहशत विरोधी यूनिट ने ऐसे ही 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस द्वारा पकड़े गए दोनों आरोपियों के अपराध करने के तरीके ने पुलिस को भी हैरत में डाल दिया। दरअसल ये अपराधी ड्रग्स जैसे नशीले पदार्थों की बिक्री का धंधा करते थे। इन अपराधी का एक और साथी भी था जो कि राजस्थान में रहता था। राजस्थान में रहने वाला वह तीसरा साथी इन लोगों को नशीले पदार्थ की आपूर्ति करवाता था जिसे ये लोग बाजार में बेच देते थे। खुलेआम नशीले पदार्थ बेचते हुए कभी पुलिस के शिकंजे में नहीं आ जाए इसलिए ये लोग बाजार से पाँव में पहने जाने वाले नए बूट खरीदते थे और उन बूट में लगे सोल को काट कर उसमें नशीले पदार्थ छिपा कर उसे फिर सिलाई कर देते थे, जिसके बाद वह लोग इस नशीले वस्तु को आसानी से यहाँ से वहाँ लाते और लेकर चले जाते थे। लेकिन जैसा कि वीडियो के शुरू में कहा गया है, अपराधी भले ही कुछ दिन कानून से लुका छिपी खेलने में कामयाब रहे, लेकिन आखिरकार कल पुलिस ने इन आरोपियों को नालासोपारा के पेलार क्षेत्र से गिरफ्तार कर कानून के शिकंजे में जकड़ते हुए सलाखों के पीछे बेच दिया। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस को 5,17,00,000 कीमत का 1 किलो 700 ग्राम से अधिक नशीला पदार्थ बरामद हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, सेफ न्यूज लाइव। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे